नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील गरोटा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मरकुआ में जिला सरकारी साधन समिति में कर्मचारी द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार। जानकारी के अनुसार किसानों को 1500 रुपये में बेची जा रही है मरकुआ में खुलेआम उड़ाई जा रही धुआंधार धज्जियाँ। कृपाल सिंह के यहाँ पर खाद लेने को लोगों को 5-5 दिन के बाद भी नहीं मिल रही है DAP खाद। जिन्हें मिला उन्हें 1400 और 1500 में बेची जा रही। किसानों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुबह लोग आ जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को आसानी से ब्लैक में ट्रैक्टर भर भर कर दिया जा रहा है और कुछ किसान सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है खाद। ऐसे में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब टाइम पर खाद नहीं मिल पाती तो किसानों की बुआई टाइम पर नहीं हो पाती है। सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार, झांसी की खास रिपोर्ट। ठीक है, अब भीड़ इतना इकट्ठा है तो लाइन से ही तो खाद मिल पाएगी। हम आपकी बात है, कोई ये लोग बता रहे हैं कि मुझे 3 दिन में नहीं मिल पा रही है, ब्लैक हो रही है खाद। एक तारीख में आज ये तो बाबू जी बताएंगे, सचिव साहब हमसे तो कुछ लेना देना है। आज की निकासी देखी जाएगी निकल गई पांच तारीख की हमने जमा कर दिया। सुरक्षा कर रहे।